मेरा हाउस से आपके माध्यम से एक सवाल है कि हमारा रेजोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करने का एक ये आइडिया था कि हम इन दो, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा सर कि उस ग्रीन हाउस में क्या बन रहा है, मुझे पहले लद्दाख के सेफगार्ड के बारे में बात करना था। जो 3 लाख का पुल बनेगा उस पर कौन चलेगा सर, मुझे इसकी चिंता ज्यादा है। तो मैं हाउस से आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या लोगों को नहीं चाहिए सेफगार्ड, आपके बच्चों को जॉब नहीं चाहिए? तो मेरा, मुझे बड़ी चिंता हो रही कि आज हम आपको डिस्कशन नहीं करना है तो कोई अलग बात है सर। न्यूज की बारी आएगी तब करेंगे, पर सेफगार्ड की बारी कब आएगी? Leh Kargil has approved 250 crores under Modi scheme. So you are talking here only about 1 crore or 2 crore. When it is said like Leh district, for Leh district they have approved 250 crore in Modi schemes. So 250 crore में से अभी तक आपका खर्चा कितना है Modi schemes में और कितने overlaps हो गए? Kargil district के लिए 250 करोड़ ईच अप्रूव हुआ है तो क्या वो झूठ है कि सच है? 250 करोड़ आया है, 54 लाख इज द राइट ऑफ एवरी काउंसलर। रेजोल्यूशन लाओ, और मैं फिर मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, जब तक हमारे पास संविधान के अंदर सुरक्षा हमारे पास मौजूद नहीं है, क्या करेंगे इस बजट से? आप लोग मुझे बताइए, इस बजट को लेकर क्या करना है आप लोग? हमारे बच्चों को क्या, कहाँ ले जाएंगे आप लोग? अब आप कह रहे हैं कि हम भी चिंतित है सुरक्षा को लेकर, हम भी गंभीर है संविधान के अंदर 6वें शेड्यूल को लेकर। आपने मैनिफेस्टो में भी कहा है, ये मैं रेजोल्यूशन को मीडिया को भी हम देंगे इसके बाद। इसके अंदर हमने सारे वो ग्राउंड हमने इसमें तैयार किया है, जिसके बदल पर हमने 2 बार इससे पहले आपको हमने निवेदन किया था कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए 6वें शेड्यूल को मांग करने के लिए, आपने अभी तक नहीं बुलाया। कल हम काउंसिल में गए आपसे मिलने के लिए, आप वहां पर मौजूद नहीं थे। कल काउंसिल में कोई भी इसी मौजूद नहीं था शाम को, हम आए आपसे मिलने के लिए। आप पैसा खर्चा करेंगे, आप पैसा खर्चा करके बाप के यहाँ पर लोन दादा के लोगों को यहाँ फंसाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा? मेरी यहाँ से निवेदन है, हमें लेकर 2 6वां शेड्यूल लाना पड़ेगा। मेंबर पार्लियामेंट से भी रिक्वेस्ट, आप मेहरबानी करके 6वें शेड्यूल को पार्लियामेंट में आप बोलिए, वहाँ पर आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है ये पार्लियामेंट में जाके 6वें शेड्यूल की मांग। लड़ के आए और इलेक्शन में सबने 6 शेड्यूल बोला, कोई मना नहीं कर सकता कि किसी ने 6 शेड्यूल नहीं बोला। आज टाइम है हमें लोगों को दिखाने के लिए कि हम 6 शेड्यूल के लिए खड़े हैं, हम सबको बताना चाहते हैं, यही टाइम है रेजोल्यूशन पास करने का। और सिर्फ एक प्रोसीजरल लैप्स की वजह से आप रेजोल्यूशन को पास नहीं करेंगे। सबको Resolution law.